भीम नमो बुधाय। शायद नागरत्न जी आदि भी उपस्थित होंगे, उनको भी मेरी बहुत बहुत जय भीम नमो बुधाय। तो आनापान सति ध्यान की पहली पारी, पहले हम अपने आसन को ठीक करेंगे, बैठने की बैठक को ठीक करेंगे और अपने शरीर पर ध्यान देंगे, कहीं कोई दर्द खिंचाव तनाव, अपने मन पर ध्यान करेंगे, हमारे मन में कोई वेदना संवेदना किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, हमारे सांसों में पर भी कोई ज़्यादा भारी प्रभाव नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ध्यान के लिए बैठने के लिए सबसे पहले आनंद महसूस करना चाहिए, खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से हम भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने के द्वारा भगवान बुद्ध से जुड़ते हैं सांस के द्वारा, उनके बताए हुआ मार्ग है। तो यह होता है कि हम भगवान बुद्ध के सामने में बैठे हुए हैं और अपने वो ध्यान करने लग रहे हैं, बहुत आनंदी एकदम, बहुत एक खुश सुखी सुख महसूस करना, आनंदी महसूस करना कर कर ध्यान में बैठना चाहिए हमें। शरीर से का पूरा निरीक्षण, मन पर, मन का भारीपन, हमारे सांसों का भारीपन को हल्का करना पहले बैठकर हमें 2 मिनट में बैठने कर अपने आसन पर बैठक पर ध्यान देना है। हमारे सांस पर कोई महसूस कर रहे हैं, आनंदी महसूस कर रहे हैं, हम अपने को आनापान सति ध्यान के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरे शरीर का पैर के अंगूठे से धीरे धीरे अवलोकन कर रहे हैं और सिर तक हम शरीर से स्वस्थ हैं, निरोग हैं, मन से बहुत खुश हैं। हम अपने को आनापान सति ध्यान के लिए तैयार कर रहे हैं। आनापान सति का पहला स्तर, पहली पारी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए और सांस लेने से पहले हमें एक गिनना है। जब हम दूसरा सांस छोड़ेंगे तो 2 गिनेंगे, तीसरा सांस छोड़ेंगे तो 3 गिनेंगे, इस प्रकार हम 10 तक गिनेंगे। 10 गिनती पूरी होने पर
फिर वापस एक से शुरू करेंगे। इस प्रकार हम पहली पारी पूरी करेंगे। Thank you.
आनापान से ध्यान के दूसरी पारी ध्यान सांस लेने छोड़ने से, सांस छोड़ने पर जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेने से पहले हमें एक गिनना है, दूसरा सांस अंदर लिया दो गिनना, सांस अंदर लेने में तीसरा गिनना है, इसलिए हमें सांस अंदर लेने से पहले गिनती गिनी एक से दस तक, फिर दोबारा दूसरी बार एक से दस तक गिनती गिनी, हर सांस लेने वापस जब लेते हैं
आनापानसति की तीसरी पारी। इसमें सांस देते और छोड़ते हुए गिनती किसी प्रकार की गिनती नहीं करते हैं, केवल सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं। और सांस हम किन इन नाक के दोनों सुरों पर, किस सुर पर और किस जगह पर छू रहा है, और उसके छूने का प्रभाव गर्म है, ठंडा है, तटस्थ है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुना रहे हैं? सुनाइए, सुना सुनाई दिया कुछ? यस, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। ध्यान केंद्रित करते हैं।
आनापानसति ध्यान की चौथी पारी। इसमें हम अब सांस छोड़ना लेना नहीं है, सांस के द्वारा और सांस को छोड़ते हुए हमने ये देखना है कि हमारे नाक के अग्रभाग को छू रहा है। सांस छोड़ते हुए ये देखना है कि हमारे नाक के अग्रभाग को छू रहा है या नहीं, यह देखते हुए हमें यदि कोई अनुभव होता है, आँख बंद आँखों के सामने कोई अनुभव होता है तो उसको देखना और उसको छोड़ देना है। केवल हमें फिर दोबारा नाक के अग्रभाग पर ध्यान देना है।
अब हमें धीरे धीरे वास्तविक स्थिति में आना है और आंख नहीं खोलनी है। आंखें बंद किए हुए ही हमने जो अभी तक आनापानसति ध्यान किया है उसका चिंतन करना है। इस चौथी पारी में जो भी अनुभव लिया है, जो भी हमने देखा है और किया है, उस पर चिंतन करना है, अनुभव करना है आपने आंखें बंद किए किए ही।